हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्दी, खांसी और जुकाम जड़ से खत्म करने वाले मेडिसिन के बारे में। बस दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है और आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। फ्रेंड्स, जब कफ या जुकाम या सर्दी कब होती है? जब हमारे लंग्स में, फेफड़े में म्यूकस जमा होने लगता है, म्यूकस बिल्डअप होता है, तो हमारे लंग्स, विंड पाइप और ब्रोंकी, इन तीनों में क्या होता है, बेलगम और म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है और लगातार सर्दी जुकाम की शिकायत बनी रहती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसे नॉर्मल बीमारियों का इलाज किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोरिल डी प्लस कफ सिरप के बारे में। इससे बेहतरीन दवा कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशंस, यानी कि कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशंस हैं जो स्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फेनाइलफिरिन 5 mg होता है, क्लोरीफेनरामीन मैलेट 2 mg, डेक्सट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg। इसकी जो मार्केटिंग करने वाली कंपनी है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल LTD है। स्टोर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्टोर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या इसकी बेनिफिट्स हैं, इस कफ सिरप को यूज करने से कौन सी बेनिफिट्स आपको होने वाली है। बेनिफिट्स ऑफ एस्कोरिल डी प्लस सिरप। ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। ड्राई कफ के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई कफ को आल्सो नोन एज अ नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। इज अ कफ वेयर नो फेलगम और म्यूकस प्रोड्यूस्ड। ड्राई कफ उसे कहते हैं जहाँ म्यूकस या बलगम नहीं बनता है, ठीक है, सूखी खांसी आती है। उसके इलाज में हम एस्कोरिल डी प्लस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज इरिटेटिंग, यूजली एसोसिएटेड विथ टिकली थ्रॉट एंड मे बी कॉज ड्यू टू कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज और थ्रॉट इरिटेशन। इसमें जो होने वाली प्रॉब्लम है, जैसे कि कोल्ड यानी कि ठंड की वजह से जुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, एलर्जीज हो जाती है, गले में इरिटेशन होने लगती है, तो स्कोरिल डी प्लस सिरप शुगर फ्री है, सप्रेसेस ड्राई एंड हैकिंग कफ। ठीक है फ्रेंड्स, ड्राई और हैकिंग कफ के इस्तेमाल में इसका यूज करते हैं। इट विल आल्सो रिलीफ एलर्जी सिम्टम्स लाइक वाटरी आइज, अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा था उसमें भी रिलीफ करता है, स्नीजिंग, छींक, रनिंग नोज, वेती नाक, थ्रॉट इरिटेशन, गले में खुजली या गले में दर्द। इट हेल्प यू कैरी आउट योर डेली एक्टिविटीज़ मोर इजली, जो आपकी पर डे की एक्टिविटीज़ है, जो आप सही तरीके से हेल्दी जीवन जी रहे हैं, उसे नॉर्मल या उसे सही करने में ये बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। दिस मेडिसिन कैन प्रोवाइड अ क्विक रिलीफ एंड द इफेक्ट कैन लास्ट अप सेवरल आवर्स। यह बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ करने वाली मेडिसिन है और बहुत लंबे समय तक असरदार है। कॉमन कोल्ड, यानी कि कॉमन कोल्ड में इसका इस्तेमाल, एस्कोरिल डी प्लस सिरप शुगर फ्री इफेक्टिव रिलीफ सिम्टम एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड सच एज ब्लैक नोज, रनिंग नोज, वाटरी आई, स्नीजिंग एंड कंजेशन ऑफ स्टिफनेस। आपको जकड़न जैसी समस्या है, आंखों में से पानी आ रहा है, इट हेल्प लूजन थिक म्यूकस, यह क्या करता है, अगर गाढ़े मोटे म्यूकस है उसे लूज करता है, मेक इट इजी टू कफ आउट, ताकि आसानी से आपकी कफ बाहर निकल सके। इट हेल्प्स लूजन थिक म्यूकस, मेकिंग इट इजी टू कफ आउट। इट आल्सो श्रिंक्स द ब्लड वेसल्स एंड प्रोवाइड रैपिड रिलीफ दैट लास्ट फॉर सेवरल आवर्स। दिस एक्शन मेक ब्रीदिंग ईजियर। स्कोर डी प्लस सिरप शुगर फ्री होता है, यूजली स्टार्ट वर्किंग विद इन अ फ्यू मिनट्स, यह बहुत ही कम समय में असर दिखाना शुरू करता है, द इफेक्ट्स कैन लास्ट अप टू सेवरल आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। एस्कोरिल डी प्लस सिरप के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सैडनेस, ठीक है, डबल विजन, वोमिटिंग, डायरिया, ड्राइनेस इन द माउथ, नर्वसनेस, हेडेक, इन प्रकार के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स शामिल हैं। डोज के बारे में जान लेते हैं। डोज यानी खुराक, टेक 5 to 10 ml एज पर द कंडीशन, वेज, एज एंड बॉडी वेट, वजन और उम्र के हिसाब से डोज निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें 5 से 10 ml BD और TDS दिन में 2 बार 3 बार लिया जा सकता है एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जैसे कि आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।